प्रदेश की कमलनाथ सरकार जो खुद को गरीब और किसान हितैषी बताती है, उसी की नाक के नीचे गरीबों से उनके हक का माल छीना जा रहा है। प्रदेश में जहां सरकार लगातार छापा मार कर बड़े मुनाफाखोरों पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी है, वहीं उन्हीं के मुलाजिम गरीबों का हक मार रहे हैं। ताजा मामला तेंदुखेड़ा का है, जहां सरकारी अनाज जो गरीबों के लिए दिया जाना था, उसे व्यापारी हजम कर रहे हैं। चावरपाठा ब्लॉक की सभी सोसाइटियों में नॉन के वेयर हाउस से पीडीएस के अनाज को पहुंचाने का काम श्रीकांत अग्रवाल द्वारा किया जाता है, पर सोसाइटियों में मात्रा से कम अनाज देकर बाकी का माल खुद हजम कर लिया जाता है। कल रात काशीखेरी गांव की सहकारी सोसाइटी में अनाज पहुंचाने जो ट्रक गया, उसने वहां से 17 बोरी अनाज कम उतारा और उसे बचे हुए अनाज को किसी व्यापारी को बेचने की फिराक में था, जो प्रशासन के हत्थे चढ़ गया। सूचना मिलने पर मौके पर एसडीएम ने ट्रक को पकड़ लिया और थाने लाए। बाद में सुबह प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर जांच की तो पता चला कि ये चोरी किया गया माल था, जिसे राजमार्ग के बाजार में बेचा जाना था। कल वही लगभग 10 बजे को इन्फॉर्मेशन मिली कि सोसाइटी काशीखेड़ी में एक गाड़ी जो नान से माल उठाया गया था, सप्लायर है अग्रवाल का, ट्रांसपोर्टर है, वो सब जगह सभी सोसाइटियों में सामान भेजता है। पता ही लगा कि काशीखेड़ी सोसाइटी का कुछ माल था, काशीखेड़ी में उतारा जाना था, तो इन्फॉर्मेशन ये आई कि उसने कुछ उतारा, कुछ शेष जो माल था, 15 कुंटल चना और 2 कुंटल गेहूँ, बोरी कहेंगे, तो वो वापस ले जा रहा था, वहाँ उतार ना उतार करके वापस ले जा रहा था, जैसे हम नाम पहले बता था, तो उसने उसको पकड़ा और राजमार्ग पर खड़ा कर और इन्फॉर्मेशन मेरे को दी कि इस तरह से। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रक और अनाज को जब्त कर संचालक श्रीकांत अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कही। हालांकि इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, पर गरीबों का निवाला छीनने वाले बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, नरसिंहपुर।